स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स, धूम्रपान से कर्क रोग होता है, धूम्रपान जानलेवा है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, सुरक्षित रहें, मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। ड्रग कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुझे क्या पता है? रुक जा, ये क्या कर रहे हो? तुम? भगवान कसम मैं निर्दोष हूँ, किसी और की सजा मुझे मत देना। जानू को मेरे गले बांध दिया था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है बेटा। किसने किया ये? क्यों किया ये? मैं सब बताता हूँ। यही था विश्वान भाई, जो भी हुआ था, मैं एक भोला इंसान हूँ। तू जा, तेरे मालिक को बहुत घमंड है, बहुत पैसे और गुंडे हैं ना, तो सोचता है कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो सब मेरे सामने नहीं चलेगा, आज वो समझ जाएगा। विश्वान भाई आप संभाल के, वो दामू और उसके साथी गिद्ध की तरह घूम रहे हैं। दारू परमू भाई, मुझे ये पाउडर वाला नहीं चाहिए। वो क्यों बे? वो ना, अस्पताल में लोग जिससे कीड़े मारते हैं वही तो है वो। हाँ। वो रिश्वत देके वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ दारू में मिलाकर हम जैसे लोगों को दे देते हैं। हाँ क्या? और नहीं तो क्या? तो फिर थोड़ी सी ताड़ी पीते हैं। ताड़ी से पेट फूल जाता है, गैस ट्रबल की तकलीफ है। तो फिर क्या करने का? एक काम करते हैं ना, मुर्दों की बात भूलकर नाक बंद करके 90 मार के आते हैं, झिंग होकर आते हैं। अबे तुझे देखकर तो मुर्दे की ही याद आती है मुझे। अबे आना। अब
मुझे एक बार अच्छे से देख, भाई छू के देख, मैं जिंदा हूँ क्या जरा देखना। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, अचानक से क्या हो गया आपको? मुर्दों की बात करते करते मुझे लगता है कि मैं भी मुर्दा बन गया हूँ। अभी मेरे बीवी और बच्चों को कौन देखेगा? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, मैं आपके साथ हूँ। हाँ सच कह रहा हूँ मैं, सही सच में बिल्कुल। अरे वो बहुत ही भोली सी है रे, उसे अच्छे से देखना। चलो आओ, ऐसे ही देखूंगा, चढ़ते हैं। बैठ जाओ, गाड़ी में बैठो, बैठ जाओ आप। अच्छा अच्छे से विश्वान की टैक्सी कहाँ है? विश्वान नहीं है साहब, वो आज यहाँ आया था। वो जेल से छूटकर यहाँ आया था, उसके बाद नहीं दिखा। वो कहाँ रहता है? वो अपने चौक के आगे वाले पार्टी ऑफिस में। चलो। सुनो रमन, वो ट्रक के पीछे लॉरी से खून बह रहा है ना? जी हाँ सर। उतरो नीचे, उतर साले। तो ही है ना ड्राइवर? ड्राइवर? हाँ साहब। ये यहाँ पर क्या खून है? खून? खून? अरे साहब वो पेंट का डब्बा है, फूट गया होगा इसीलिए। ठीक है जाओ। क्या ये लोग भी? हाँ भाव, वही तो। भाव क्या है बे? मेरा एक सवाल था। हाँ बोल। वो पेंट के डब्बे में से पेंट नहीं निकल रहा है। क्या देखो? क्या देखो? अबे वो गोनी किसका है? हाँ वैसे हमने वो गोनी लादा ही नहीं था ना। चढ़ चढ़ के उतार उसे। इधर खींच के डाल। कितना जल्दी कर। अरे क्या है इसमें? अरे भाव गोनी में से खून निकल रहा है। अबे तो जल्दी उतार। उतारता हूँ। अरे मार देगा क्या? हाँ वहां से खोलो, वहां से। हाँ हाँ
ना, किसी हरामी ने किसी हरामी को मार के कोने में भर के हमारे ट्रक में डाल दिया, अब हम क्या करेंगे? अप्पू, अगर सांप के हाथों ये लग जाता तो हम लोगों का क्या हाल होता? बीवी और बच्चों का नसीब है समझ लो दादा। हम एक काम करते हैं, कोई देखे इससे पहले इसको खाई में उठा के फेंक देते हैं। ठीक है भाई, जल्दी कर, आजा आजा, पकड़, मोटा है, कितना भारी है क्या? इतना भारी है? संभल कर, सही से बैठा, अबे बांध इसे, हाँ बांध इसे तौलिए से, हाँ मैं चलता हूँ, पकड़ के बैठना। रवि, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? नहीं, विश्वन की अगली चाल क्या होगी मैं वही सोच रहा हूँ। तुम दिन रात वही सोचते रहोगे क्या? जाओ और शांति से सो जाओ। नींद और शांति कब का मेरी भंग हो चुकी है। हमसे ज्यादा परेशान है जानू, उसको सोते हुए देखकर ही मैं यहाँ आया हूँ। ये आपकी सोच है पिताजी, वो इतनी जल्दी सो नहीं सकती। क्या हुआ बेटी, डरावना सपना देखा? रोना बंद कर दे, अब तो बदनसीबी है। मेरी बदनसीबी में डरावने सपने क्यों है माँ? यस मिस्टर रवि, आप बच्चों की तरह फिक्र करना बंद करें। सभी जगह पर पुलिस को भेज दिया है, विश्वान कहीं भी हो उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। ओके तू इस पत्थर के महल में छुप जाओगे सोचा था ना? विश्वन, मेरी जानू के साथ तुमने गलत किया। तुझे विश्वन नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, देखो एक पुलिस वाला हाथ दिखा रहा है भाई। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? साले मुर्दे, तुझे मारने के बाद चढ़ने को और सोने को हमारा ही ट्रक मिला था क्या? और कोई ट्रक नहीं मिला क्या? देख लेना तुझे मैं क्या करता हूँ। भाई इधर उधर मत देखो, आगे बढ़ाओ। अगर हमने रोका ना तो दो केस लगेंगे, एक पीके चलाने का और एक मर्डर का। अबे चुप बैठ, नहीं तो तीन केस बनाऊंगा मैं। अरे उतर उतर उतर, अरे पुलिस, बचालो कैसे बचालो साहब। उठो उठो मेरे प्यारे साहब, हमको कुछ नहीं पता, हमें जान बूझ कर फंसाने के लिए किसी कुत्ते के बच्चे ने ये काम किया है। जी हाँ, अच्छी बीवी और अच्छे बच्चे वाले इंसान हैं हम लोग। वैसे भी टोला का अवर्चन ने नई गाड़ी लिए तो उसके पीछे कुछ लोग जलते जरूर है, वो तो पहले से ही है साहब। ये तुम लोग क्या बक रहे हो? साहब आपको कुछ नहीं पता क्या? ए, तुम लोगों ने दारू पी है क्या? अच्छा
देखा साहब का सवाल सुनो तुम, हम लोग पिए हुए हैं क्या? नहीं। फूंक मारो, अंदर मत खींच, बाहर फूंक। भगवान कसम, छोटे बच्चों की कसम, स्टीयरिंग में हाथ लगाया तो एक बार खुद भगवान चाहे आके बोले कि ये लो बेटा परमू पी लो, तो भी नहीं पियेंगे हम, है ना रे? हाँ वही तो। और दारू अगर बारिश जैसी बरसे तो भी हम नहीं पिए। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं। ये ट्रक के अंदर कौन है? लाश, लाश है। अब, 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 नहीं नहीं, जीजा, मेरे जीजा है। मेरे जीजा है। उसने आपको देखते ही उसकी फट गई तो वो बाहर नहीं आया, बस और कुछ नहीं है। ये तो पहले से ही पुलिस वाले से एक हाथ खाया है। जी हाँ। इस बुढ़िया को भी आगे चौक तक छोड़ दो, वहाँ की आखिरी बस भी चली गई। उतार देंगे। आप इनके साथ चले जाओ। चलो आओ। मुझे ठीक से दिखता नहीं है बेटा, शमशान घाट के पास ही छोड़ना। ओ मेरी माँ, शमशान घाट के वहाँ नहीं, उसके अंदर ही उतार देता हूँ। चलो छोड़ो। अरे चढ़ो ना। चलो चढ़ जाओ आराम से। पकाओ। Where is Vishwan? Vishwan, where is? कहाँ है विश्वन? अबे विश्वा, तू मेरे यानी कि फॉरेन थंका चंद के हाथ लगा तो दिखाता हूँ तुझे। सुनो बेटा, शमशान घाट आया क्या? ये इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अब वो ना गूंगा है और ऊपर से बहुत पिया हुआ है वो। आ तो ऐसे बोलो ना, गार्डन कहाँ आ रहा है देखो जरा, पियो पियो। इतना पियोगे ना तो हड्डियाँ सब जल जाएगी, समझा? दादी माँ, आपने पी रखी है क्या? और सुन, मुझे दादी मत बुला, मेरी उतनी उम्र नहीं है। नसीब की वजह से आंखों की रोशनी कम हो गई है और दो तीन बाल सफेद हुए हैं, बस इतना ही। उतना ही? मुझे दीदी कहो ना। दीदी? भाऊ, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। वो सब छोड़ो, पुलिस साहब के कौन लगते हो? मैं पुलिस आपके कुछ नहीं लगती, मैं सेकंड शो देखने गई थी सिनेमा में। कौन सा सिनेमा, कैसे लगा वैसे? बेटा मैंने कहा ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो फिर क्या देखने के लिए गई थी? डायलॉग सुनकर ही समझ जाती हूँ कहानी। अच्छा, फिर देखने कैसे गई थी? हाँ, वो सिनेमा मुझे समझ में नहीं आया, कभी कभी गोली चलने की आवाज आती है, ठो ठो, और अंग्रेज लोग चुम्मा लेते हुए देखे, ऐसे वहाँ के बच्चे बात कर रहे थे मैंने सुना। ए, दीदी आपको वो सब पसंद है क्या? चुम्मा लेते देखना किसको पसंद नहीं आता। ए, क्या कर रहा, हट। बेहोश है इसलिए मैं नजर नहीं आ रही। शमशान घाट आ गया क्या? दीदी आप परेशान मत होइए, आपको शमशान घाट में ले जाकर वहाँ पे सुला के क्रिया करके उसके बाद ही वापस आएंगे। वही तो। हाँ बड़ा आया, तेरा क्रियाकर्म करके ही मैं मरूंगी। अबे ट्रक, तू ऐसे ही चीखता रहे, समझे? तेरी ये चीख सुनकर हटने वाला नहीं है फॉरेन थंकचन। शमशान घाट रोड आ गया है क्या? कैसे दादी, सॉरी दीदी, कैसे पहुंचेंगे? सांप की तरह तो ये रास्ते पे पड़ा है पीछे। जाबे, अबे नागिन उठ जा यहाँ से। क्यों? तेरा बाप होगा नागिन। My name is थंकचन, made in India, sitting and watching in the bungalow. My God is crop set. My set is very much set. Kai Vishwan. Kai Vishwan. अरे अब क्या करें? ये तो हटने का नाम नहीं ले रहा, हम ही हट जाते हैं। अबे जा यहाँ से, मेरे सामने कोई निकल नहीं सकता, चल हट साले। मैं अंग्रेज की औलाद हूँ थंकचन, समझे? Thank you.
अरे मणि, हाँ। एयरपोर्ट पे पिताजी आएंगे, वो आए हैं कि नहीं? पिताजी आपके स्वागत की पूरी तैयारी कर रहे हैं दादा, सभी चीजों में उनका हाथ होना चाहिए ना। और हाथ बटाने के लिए लक्ष्मी जी और उनकी बेटी भी आई हुई है। कौन? जानू? हाँ। रवि सर आप आने वाले हो सुनते ही जानू उछल पड़ी है। हाँ तो सुनो मिस्टर जानू, जब मैं पहले बर्मा में था। तुम जरा चुप रहो, रवि जी आएंगे अभी, तुम जाके किचन के काम करो। बर्मा की बर्मा। अरे वैसे भी तुम जैसे गांव खेड़े के वासियों को फॉरेन वासियों के बारे में बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह बकवास करोगे तो जरूर पिटोगे। ओ मामा जी आ रहे हैं। अरे देवरे, एक बन बटर रोस्ट, एक घी रोस्ट मेड इन लंदन। और हाँ रवि सर, आपके वो कॉलेज की दोस्त है ना, उन्होंने 100 बार कॉल किया होगा। कौन? वसंती? हाँ वही वही। कितने बजे की फ्लाइट है, 5 बजे की या 6 बजे की है? और फिर मैं कार लेके निकल रहा था तो मामा और बेटी हार बुके फटाके सब कुछ लेके इंतजार कर रहे हैं आपका। सामने शर्ट बदलते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? होने वाली पत्नी के सामने शर्ट बदलने में कैसा शर्माना? मैं तो आपकी ही हूँ, वो सब शादी के बाद। ऐसा नहीं होगा, वो सब अभी होगा। रवि सर आप मेरी एक मदद करोगे क्या? बताओ। मुझे वो जानू से बहुत प्यार हो गया है। तो करो प्यार, इन सब के लिए मेरे में ताकत नहीं है, उसे देखते ही मैं बिना हवा के टायर जैसे पंचर हो जाता हूँ सर। अरे यार ये तो बहुत गलत हालत है तेरी मनी। हाँ क्या? तो पक्का वो विश्वास ने मुझे कुछ खिलाया होगा, पक्का। कौन विश्वन? वो टैक्सी एम्प्लॉय यूनियन का सेक्रेटरी। मजदूरों को जो हक मिलना चाहिए उसके लिए हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, एकजुट होकर, समझे? हमारे बीच फूट डालने की कई लोग कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जो हम सब लोग हमेशा एक साथ में रहे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, ये इतिहास गवाह है। इसलिए हमारे नारायण भाई को दामू के गुंडे मार रहे हैं। क्यों? पोस्टर फाड़ने से उन्हें रोका इसलिए मार रहे हैं। तू मुझसे तो मांगा लाएगा, तेरी इतनी हिम्मत, क्या बोल रहा था तू? ये ले, विश्वान की यूनियन की यहाँ जरूरत नहीं, ये स्टैंड में मेरा ही नियम चलेगा। यहाँ आके मुझसे जबान लड़ाने वाला पैदा नहीं हुआ। पैदा हुआ है। पे पाव रखा है तूने, देख लेना। यारे तो विश्वन बहुत बड़ा गुंडा है ना? गुंडा और नेता भी है सर। मेरे रवि सर ऐसे सब है फिर भी मालिकों से बहुत लगाव है सर।
वो क्यों? उसने जैसा मेरे पे कोई जादू टोना किया वैसा मालिक को भी किया होगा। तो फिर जानू विश्वन को पसंद करती है क्या? अच्छा, उसका नाम सुनते ही जानू टॉप गियर पे चली जाती है। ये टैक्सी ड्राइवर कौन है? यही है सर, जानू का होने वाला पति विश्वन। गाड़ी थोड़ा पीछे लीजिए। तुम पीछे क्यों नहीं लेते हो? मैं जल्दी में हूँ, अस्पताल जाना है सर। थोड़ी गाड़ी पीछे लो ना सर, प्लीज सर। अरे मान जाओ ना सर। हाँ ठीक है। नहीं हटाओगे? कितना ही केस सीरियस क्यों ना हो, हमारे जाने के बाद ही जाओगे। ये तुम्हारी परवरिश की समस्या है सर, लेकिन मेरे अंदर ऐसी समस्या नहीं। और अगर घमंड है तो? घमंड है तो तू हटाएगा नहीं। अच्छा तू? अच्छा है। रवि सर, उसके हाथ में से वो बीड़ी पूरी खत्म होने के बाद वो नहीं हटाएगा, मैं जानता हूं उसे। विश्वन भाई, बंगलों के छोटे मालिक से पंगा लिया है तुमने। ओ रवि सर, तो पहले बताना चाहिए था ना भाई। सर माफ कर देना मुझे, मैंने पहचाना नहीं। दस बज गया है मैनन, रवि अभी तक नहीं आया। काफी देर हो गई। हाँ वो एक घंटे में यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। हम वहाँ जाकर पता करें तो? अरे आप लोग चिंता मत करो मालिक साहब, आजकल एयरपोर्ट पे ना काफी सेंसरिंग होता है। फॉरेन से आने वाले सभी मर्दों औरतों के कपड़ों को रिमूव करके एक्सरे निकालते हैं, फिर चेकअप करके ही सामान डिलीवर किया जाता है। तुम जाओ यार यहाँ से, खोजबीन जैसे आज ही शुरू हुई है। मेरे मालिक, ये थंगचन कई बार फॉरेन गया है और आया भी है, समझे आप? टू एंड फ्रॉम। हमारे लोग कहीं भी बाहर जाकर केवल फिजूल की चीजें ही खरीदते रहते हैं और फिर वहाँ की सिक्योरिटी को देख कर फट जाती है। और कुछ लोग तो न जाने कहां कहां छुपाते हैं। Useless fellow। लेकिन अब वहां पे चेकिंग करने वाले लोगों के हाथ में एक तरीका का चुंबक दिया हुआ है, बहुत ही खतरनाक मशीन। उसमें तो ऐसा दिखता है कि लड़की के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की अंतड़ियां भी दिख जाएं। कोई हंस क्यों नहीं रहा है? जा रहा हूं। आओ आओ पिताजी। क्या हुआ, इतना लेट कैसे हो गए बेटा? फ्लाइट देर से है पिताजी, इसीलिए देर हो गया। मामा जी। हेलो बेटी, एकदम बाहर गांव का लग रहा है ना? हाँ ना माँ, एकदम दूर जैसा सफेद दिख रहा है। रवि आ जाओ, चलो कम ऑन कम ऑन। अरे मानी, वहाँ डिलीवरी में कोई कठिनाई तो नहीं आई? डिलीवरी? ओ तुम्हें इंग्लिश नहीं पता है ना? ये डिलीवरी का मतलब है कि ई ई ई। ओ डिलीवरी। अबे वहाँ कोई कठिनाई आई क्या? हाँ वाह, मैं तो कुछ हुआ नहीं। ये पहले अंदर ले जाओ तुम। इसका वजन काफी भारी है रे, तू जा बे हनी मनी। हाँ। अरे ये तो स्टीरियोटाइप है रे। स्टीरियोटाइप क्या है? अरे ये भी नहीं पता तुझे?
या स्टीरियोटाइप का मतलब है ई ई ओ स्टीरियो। हाँ भाई, तेरी बीमारी का राज है ना ये, मुझे पता है। हाँ वही, हाँ ये है स्टीरियो। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। हाँ रुको, हाँ ठीक है, अभी ये भी पकड़ो। हाँ पकड़ो, अब ये भी पकड़ो। ये कौन सा हाथ में लूँ? वो मैं बताता हूँ, अभी जाओ। ये तो बढ़िया। और उतना ही नहीं, वहाँ पे रात को सब लोग गांजा फूंक के सब अलग अलग हो जाते हैं। सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप ही अलग ही रह रहे थे। ऐसे मत बोलो। तू इसे नहीं पहचानता? नहीं। अरे हमारी छोटी सी जानू को तू कैसे भूल गया? कौन? हमारी छोटी सी जानू। कौन? वो अंडे जैसी। मेरे सामने कितनी छोटी थी, अब कितनी बड़ी और सुंदर हो गई है। इधर आ, इधर आ, इधर बैठो। और मुझे ये बताओ, तुम्हें इतनी ज्यादा खूबसूरती मिली कहाँ से? इधर बैठो। मैं यही ठीक हूँ साहब। ये इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। वो तो सब ठीक है, आप गए थे तब भी इतनी बड़ी थी क्या? हाँ बड़ी हो गई है और थोड़ा रंग भी फीका पड़ गया है, अब पहले जैसी बात नहीं रही है। ओह, जो बोल रहे हैं उसका अलग ही ग्लैमर है ना। बेटा रवि, आज के लिए हो गया, अब पूरा दिन रोएगी। तुम रोना मत, ठीक है? हाँ मैं वसंती के लिए कुछ सामान लेके आया हूँ। जानू मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं है ना मामा? सब लोग आओ। मैंने बोला था ना, वो मुझे कभी नहीं भूलेगा। डरा क्यों रहे हो? तुम डरो मत, मैं वही हूँ तुम्हारा थंगचन। मेरा थंगचन? इधर क्या मर्दों की कमी है? नहीं, यहाँ काफी सारे मर्द होंगे, कई सारे थंगचन भी होंगे, लेकिन फॉरेन थंगचन एक ही होगा और वो मैं हूँ। आई एम कूल, सिर्फ तुम्हारे लिए ही पैदा हुआ हूँ। ए सुन, मेरे सामने बकवास मत कर। वैसे भी पवित्र प्यार की कीमत नहीं जानने वाली, एकदम निष्ठुर हो तुम। क्या करूं मैं, कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये सब लाया हूं। क्या लेकर आया, जरा मैं भी देखूं। ये मेरे लिए है? ये सब तेरे लिए है, पूरा ले ले, अभी और भी है। हाँ अब क्या है, छोटी डिब्बी में सुगंध वाला भी है, समझी? लेकिन जब तू मेरे घर आएगी ना तो ही दूंगा। घर पर नहीं आऊंगी, डर लगता है। अरे डर मत, छोटा सा डब्बा वाला ही है। देखो मुझे। तुझे? मुझे। तुझे? तुम क्यों ऐसे घूर के देख रहे हो? अरे तुमको ही कह रही हूँ, पागल कहीं का। लगता है इसके दर्शन करने के बाद आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। हाय, अब जाके पता चल गई ना असलियत। डब्बे में खड़ा कर रहे हैं ढक्कन ड्राइवर। क्या है? डब्बे में खड़ा करी से निकाला तेल और उसी तेल में गिर गया ड्राइवर और उसको हो गई जेल, समझे आप? फन काचा, अब और भी कुछ बोलना है क्या मुझे? अभी मुझे बोलना है ना, सुनाऊं क्या तुम्हें? वो सब अपने बाप को जाके सुना जा। हाँ लक्ष्मी, आप यहाँ आइए जरा। देखो जानू अभी कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसकी शादी का सोचना पड़ेगा। जो भी हो, रवि आ गया है, अब जानू की शादी में देरी नहीं करेंगे हम। मैं यही बात आपको कहना चाहती थी, हमारी सारी चीजें उसके पिताजी आपको ही तो सौंप कर गए थे। विश्वन अच्छा इंसान है, जानू के लिए एकदम सही रहेगा, अभी उनकी शादी हमें जल्दी करनी पड़ेगी ना। विश्वन सुनिए, विश्वन। आज क्या हुआ, बहुत खुश दिख रही हो। एक खुशखबरी देने के लिए भाग कर आई हूँ। तुम जो भी बोलो वो मेरे लिए खुशी ही है। वैसे आज नया क्या है? हाँ ये नया ही है, कुरुप मामा ने हमारी शादी जल्दी करवाने का फैसला किया। सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। वो क्या है?
चलो बैठ के बताते हैं। ठीक है, बैठ गई। बोलो अब क्या चाहिए? अब तुमको क्या चाहिए इतनी जल्दी तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरी बात सुनो, ये पॉलिटिशियन नेताओं का प्यार का एक स्टाइल होता है, उसमें छूना मना है। हाँ। उस स्टाइल को साइड में हटा कर रखो और ये बताओ खुशखबरी क्या है? हमारे संगठन के एनुअल डे पर तुम्हारे एक डांस के लिए बड़े साहब ने अनुमति दे दी है। क्या मेरा डांस? नहीं मेरा। क्यों, मैं बुलाऊंगा तो तुम आओगे नहीं? क्या तुम भी रवि जगह समय कुछ नहीं देखते? क्यों, क्या हुआ? किसी ने देख लिया तुम? अगर ऐसे शर्माओगी तो कैसे चलेगा? ऐसा ये तो अमेरिका में क्या क्या होता है, तू रवि से ही पूछ ले। आप ही जाके पूछो। वहाँ पे लकी की करके एक फंक्शन है। कई सारे हस्बैंड अपनी बीवियों के साथ बहुत सारे होटल में कमरा बुक करते हैं, फिर वो सारे पति बैठकर चाय भी डालते हैं, समझे तू? और उसके बाद आंखें बंद करके हर कोई पति एक एक चाबी उठाता है। कमरे के नंबर वाली चाबी के हिसाब से सब अपने अपने रूम में जाते हैं। कुछ पत्नियों को कोई और पति मिलता है, छी? और कुछ पत्नियों को बदनसीबी से अपना ही पति मिल जाता है। मुझे सिर्फ मेरा ही विश्वन चाहिए और ये सब बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। उसमें शर्माना क्या, जो सच है वो बोला। हटो भी। अरे वासुती, शादी से पहले कई सारे किस किए तो शादी के बाद उतने ही कम कर देना तुम। हाँ, वो सारी तरकीब अपने पास ही रखो। अभी नहीं, अब मैं भी नेताओं वाला स्टाइल दिखाऊंगी, ये सब शादी के बाद। अच्छा, फिर हम एक काम करते हैं, अभी से शादी हो गई है ऐसा सोच लेते हैं, फिर तो कोई तकलीफ नहीं होगी ना। आप कुछ गलत मत बोलना, वो दोनों एक हो जाए यही उसके पिताजी की इच्छा थी। उनका तो स्वर्गवास हो गया और मेरा? ऐसे कैसे, ये इसी परिवार में बड़ी हुई है तो उसी हिसाब का रिश्ता उसके लिए भी होना चाहिए। विश्वन भी कम नहीं है बेटे, मेहनत करके जीने वाला एक नौजवान है वो। उसकी अच्छाई के बारे में आप मत बताइए, मैंने अपनी आंखों से ही उसकी औकात देखी है। बेटी को इस तरह खुला तो छोड़ दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो? उसे तो अच्छे बुरे की कोई समझ है नहीं। अब मैं क्या करूँ, आप क्या चाहते हो? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं। तुम? नहीं, मैं उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देता हूँ। हेलो। हाँ हेलो, यस ये बंगलो ही है, हु इज स्पीकिंग? अरे माफ करना, थंगचन हूँ। रवि बेटा, रवि बेटा यहाँ नहीं है। कौन बोल रहा है? वसंती बेटी रवि बेटे को ढूंढ रही है। रवि सर जानू के आउट हाउस में, मैडम उनको बुलाऊं? ओ बुलाता हूँ। अरे थनकाचा, तू जाके रवि सर को आने बोल, वसंती मैडम फोन पर भड़क रही है, जाके बोल दे उनको। फोन फोन, रवि सर वसंती मैडम फोन पर आपका इंतजार कर रही हैं, कितनी देर से बुला रही हैं आपको। लक्ष्मी माँ एक बार और सोचिए, विश्वन के साथ रिश्ता जानू के लिए उतना सही नहीं है। हेलो रवि, तुम हो ना? क्या तुम फोन भी नहीं कर सकते, जब देखो तब उस जानू के आउट हाउस जाते रहते हो बस। मैं तो अभी वहां गया था, और कोई नई खबर? मामा कहां पर है? पापा वो तो पंडित के पास गए हैं। और हाँ जल्दी यहाँ आओ जरा, हम दोनों साथ में सिनेमा जाएंगे। ये किया ना इतना बड़ा महान काम, तैयार रहो मैं वक्त पर पहुंचाऊंगा। ओके रेडी? क्या खीर मेरे लिए? ओके थैंक यू। माय डार्लिंग सत्य मामा, अंडरवियर अंडरवियर आर यू गोइंग? हाँ
छोड़ दे मुझे, मैं तुझसे गुस्सा हूँ। What is right? Why? क्या happened? तुम्हारा हाथ दुख रहा होगा, लाओ मैं पकड़ता हूँ। आखिर क्या है इसके अंदर? रवि सर के लिए वसंती मैडम ने खीर भेजी है। मन कर रहा है खीर खाने का? खीर जैसी सफेद तुझे देखकर, समझ जाना। नहीं नहीं, तेरी वजह से मैंने छोटे साहब और मैडम से कितनी डांट खाई पता है? What is happened? ये मेरे पेट पे देख जरा, कितना लाल हुआ है ना। ओह माय गॉड, किसी कीड़े ने काटा होगा। देख मेरा मुंह मत खुलवा, किसने काटा है वो नहीं पता। 2 महीने बाद पता चल जाएगा। अरे किसी ने देख तो नहीं लिया, अब निकल लेता हूँ इससे पहले। अरे क्या हुआ जानू, तू घर में जगह नहीं है नहाने के लिए, यहाँ चली आई? हाँ कभी कभी ऐसे तेल लगाकर नदी में नहाना अच्छा है, मेरे लिए भी। छी बकवास मत करो। ओ तुझे तो अभी विश्वान के अलावा सबकी बातें बकवास लगेंगी, फिर भी अच्छे पके हुए आम को देखकर कौन पत्थर नहीं मारेगा? ऐसे पत्थर मारोगे तो उसके मालिक की मार भी खाओगे। अच्छा तो उस मालिक से मुझे मिलना है। सुन लड़की, अगर तू मेरे काम ना आए तो तेरी जवानी का आखिर क्या फायदा? तुझे जो चाहिए बोल, मैं अभी पूरा करके देता हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, बता रही हूँ। वो तो नहीं हट सकता। हट जाओ। गरम क्यों होती है? मार खाने के बाद अगर मैं तुझे ऐसे ही जान दूँ तो वो गलत नहीं? छोड़ मुझे, छोड़, मैंने कहा छोड़ मुझे। अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुझे मेरे हाथों में आना ही पड़ेगा, याद रख। हरामी। उड़ते हुए कौवों को मार गिराने वाली कहानी मैंने एक बार सुनी थी, लेकिन रवि सर आपका निशाना तो एक नंबर है। मुझे भी आप सिखा दीजिए ना, फिर मैं भी मार गिराऊंगा कौवों को। हाय वो भी मर गया। रवि सर आपका अमेरिका में गोली मारने का ही काम था क्या? मेरे प्यारे सारे दोस्तों, टैक्सी ड्राइवर यूनियन की 7वीं सालगिरह, जगह हमारे ब्रिज के पास, अध्यक्ष R.M. विश्वन, वहां होंगे संगीत गोपाल पिल्ला, वेनुकुट्टन और दासन। अरे भाई वेनुकुट्टन भी मेंबर है क्या? मीटिंग के बाद जानू और उसके सभी दोस्तों का डांस का प्रोग्राम होने वाला है। सुनो हमें ये फेल करना होगा। देखो तुम सब सुनो, ओए ये प्रोग्राम फेल होना चाहिए, इनके सभी प्रोग्रामों के बीच में हमें कुछ करना होगा। हम बाहर से लड़कियों को इस प्रोग्राम में लाकर बीच में नचवाएंगे। लड़कियां मैं अरेंज करता हूँ। हमारी हाईवे रोशनी, बाईपास सरोजनी, स्टेशन पद्मा, ये सब कब कपड़े उतारना है सोच के घूमती हैं। हाँ कहाँ जा रहे हो? ओ रवि सर, वो क्या है ना कि आज हमारी टैक्सी यूनियन की सालगिरह है, तो जानू को लेने आया हूँ। जानू तेरी कौन है? सर आपको पता नहीं, वो है ना हमारी शादी तय हुई उसके साथ। ओहो
बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हो। और हाँ, अगर उल्टा बोले ना तो मैं भी उल्टा बोलूंगा। तू बोलेगा? सर, आप कई दफा मुझे तू करके बुला रहे हैं, मेरे सामने अपना घमंड मत दिखाओ। ओहो, तू तो इधर का बहुत बड़ा आदमी है ना? नहीं, तू होगा। हाँ, तू नेता है ऐसा सुना है मैंने, तो भी उसे लेके जा रहा है ना, किसी को बेचेगा नहीं, क्या पता। मेरे ही घर पर आकर मुझे ही मार रहा है, इतनी औकात हो गई। बकवास करोगे तो, ये जगह वगैरह मैं कुछ नहीं देखता हूं। जा विश्वन, क्या है ये सब? पापा, ये आपका चहेता इसको बेचने जा रहा है। नहीं मामा, मुझे फंक्शन में ले जाने आया था। विश्वन जा, तो जाना। रवि, फंक्शन में जाने के लिए मैंने ही इसे अनुमति दी थी। अनुमति दिया? आप कौन सी दुनिया में जीते? रात को इसको उसके साथ छोड़कर अगर कुछ गलत हुआ तो किसका नाम खराब होगा? वो गुंडा विश्वा अगर कुछ गलत करेगा तो क्या कर लेंगे आप? तू सोच रहा है वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विश्वा लेके जा रहा है उसे, उसे जाने देना। दोस्तों, ऐसे हम लोग जब भी इकट्ठा होते हैं तब कोई ना कोई हमेशा अड़चन लगा ही देता है। जैसे अभी देख लो, हमारे जैसे मजदूर हमारी इस मीटिंग के सामने कर रहे गंदगी को आप लोग तो देख ही रहे हो ना। क्या यही है हमारी इज्जत? इसीलिए वो कुछ भी हरकतें करें, आप लोग शांति को हमेशा ही कायम रखना। मैं विनती करता हूं, हमारी ये मीटिंग और फंक्शन खत्म होने तक सभी लोग शांत रहिए। हमारा ये फंक्शन बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। अरे सर, ले चलो इसे। और एक बात, चाहे तुम कुछ भी कह लो, इस केस से तुम नहीं निकल सकते। सर, मैं सारी गलती मानता हूँ, लेकिन अगर आप लोग पहले ही सोचते तो ये सब होता ही नहीं। तो तुम स्टेज को आग लगाओगे और वहाँ जाकर मारामारी करोगे, क्या हमें ये पता था? सर, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, सब अपने सर पर ले रहा हूँ। सुनो, विश्वन आज रिहा होने वाला है, उसे छोड़ना मत। बाहर आने दो, फिर भी उसको जो देना है उसका बंदोबस्त हमने कर दिया है, वो नहीं बचेगा। बस देख लेना, आज वो बचने ना पाए। हाँ, वो मैं देख लेता हूँ सर, उसको मैं मार देता हूँ। ए, बैठ जा।
आप भी क्या कहेंगे पिताजी? विश्वा एक बेकार इंसान है, मानोगे आप? हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा तो जानू का विश्वन के साथ जिंदगी। उन्होंने क्या गलत किया है? आग लगाने के और हत्या करने के आरोप में अंदर गया है वो, तुम उसे सही से नहीं जानती हो अभी। पापा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ आपको, इसका और विश्वा का रिश्ता खराब है। शादी वगैरह की बातें सब बाद में कर लेंगे, अभी उसका हाथ कटा है उसे कुछ लगाने के लिए दे, चलो जानू। आओ बेटा दवाई लगा दूं। रुको, ओ सॉरी, ऐसे दवाई लगाने का कोई फायदा नहीं, एक बार डॉक्टर को दिखाओ, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। रहने दीजिए रवि सर, छोटा सा घाव है, जल्दी बढ़ जाएगा। तुम चुप रहो, ये डॉक्टर बताएगा हमें, हमने कुछ किया और सेप्टिक हुआ तो डबल काम हो जाएगा। जानू तू हॉस्पिटल तक जाकर आ जा। हे मेरे भगवान, ऐसे जानू को पीछे बिठाने के बाद ही तू मेरी जान लेना, और कुछ नहीं। तू ये सब भगवान से क्यों बोल रहा है बोल? अरे मुझसे बोलना, अरे इस काम में हम भी एक भगवान है। तू चुपचाप अंदर घर में जाकर ऐसा कर मुंह से, अब तू कहीं से भी कर, ऐसा करने के बाद जानू खुद आके बैठेगी। रवि, रवि सुनो, वसंती इतना अच्छा चेहरा मुंह बनाकर खराब क्यों कर रही हो? ग्लैमर से भरी जानू के मुंह पर देखो। ओहो, मुझे सच्चाई बताने के लिए शुक्रिया। बिना झिझक के तुम मान भी गए हो? तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, मान लेता हूँ, लेकिन कल प्यार के धोखे में सिर्फ गाना गाकर मत घूमना। किताबें और डब्बा लेकर साथ में पढ़ने गए थे उस समय घर घर, हम दोनों जाकर साथ में घर घर खेल रहे थे, ऐसा कभी मत बोलना, समझे तुम? बस करो रवि, वो सब याद क्यों दिला रहे हो? मेरे मन में तुमको लेकर हमेशा मेरे पास कितनी सारी यादें हैं, यही सब बताने के लिए। सच बोल रहे हो रवि? अरे पागल लड़की, मरने तक मुझे खूब प्यार करने वाली सिर्फ एक ही लड़की है, पर वो है मेरी वासंती। जल्द से जल्द अब हमारी शादी हो जाए बस। मैं आज ही पापा से कहता हूँ। छोड़ो, हटो, कोई आ जाएगा। तो आने दो। हेलो, हेलो गुरुप भाई, अरे मैं हूँ मैनन। सुनो, मुझे जल्द से जल्द मिलना है।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर राम। जो भी हो, मैं एक बात बताता हूँ, विश्वन भाई आपको अगर सजा हुई और दामू अगर बाहर आया तो उसको मार डालूंगा, मैं भी जेल जाऊंगा फिर। अच्छा है, बहुत बढ़िया, फिर तू भी नहीं, मैं भी नहीं और संगठन भी नहीं। कुछ भी हो, इस केस में सजा मुझे ही मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं। मेरे वापस आने तक मेरी जगह पर यह यूनियन की चीजों को देखने के लिए केवल अब तू ही बचा है। हम एक को मारना इतनी बड़ी बात नहीं। देखो अब तुम ऑफिस जाओ, मैं थोड़ा जानू से मिल के आता हूँ, जो कहा याद है ना। हाँ। यहाँ का नमक मैंने खाया है, लेकिन मैं किसी और मर्द के पास जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जानू तो मेरी बात सुन, मैंने वकील से बात की है, इस केस से बचना विश्वन का नामुमकिन है। मेरी बात सुनो जानू, तुम इस घर की हो इसीलिए बोल रहा हूँ, विश्वन को भूल जाओ तुम। माफ करना मालिक। विश्वन, तेरी अच्छाई दिखाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है, मैं तुझे बहुत मानता हूँ, तू ये बात अच्छे से जानता है। मैंने उसके बदले में कोई भी गलत काम नहीं किया है मालिक, सफाई देने की जरूरत नहीं। सर, मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने नहीं आया हूँ, समझ गए? समझ गया, तुम इससे मिलने आए हो। उसको मेरे मन में भरने वाले ये मालिक ही हैं। उसके पिताजी भले ही गुजर गए हों, पैसा और बंगला देख के मैंने उससे प्यार नहीं किया। मालिक आपको तो याद होगा, जिंदगी बचाने के लिए मेरे सामने रखे हुए पैसे भी मैंने स्वीकार नहीं किए। उस दिन मैंने पैसे नहीं प्यार स्वीकार किया। आज अगर आप लोग वो छीनना चाहते हो तो मैं वापस नहीं करूंगा। एक टैक्सी ड्राइवर की औकात देखी आपने? आपने ही उसको सर पे चढ़ा के रखा है। जानू की उससे शादी करवाने के लिए सोच लिया आपने? रवि, जैसे तू सोचता है वैसे दारू पी के मारामारी करने वाला ड्राइवर नहीं है वो। जानू उससे शादी करे, वो मुझसे ज्यादा उसके पिताजी चाहते थे। मैंने भी उस चीज को माना, इसी के कारण उसने मेरी जान बचाई थी। जान बचाई? कब? तुझे नहीं पता वो कहानी? जानू के पिताजी जब अपने ड्राइवर थे, एक बार ढेर सारे पैसे के साथ हम एक सफर पर जा रहे थे। वो यहाँ दो। क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है, सच बोल रहा हूँ। झूठ बोलकर बच जाओगे सोचो मत। तुम्हारे हाथ में जो पेटी है उसमें 10,000 से ज्यादा कैश नहीं है। जान बचानी है तो वो दे, जल्दी दे और निकल यहाँ से। अरे बाप रे, तुम ठीक हो? Oh, my God.
इसलिए मैं इतना बोल रहा था और कुछ नहीं। जो भी हो एक बार आप फिर से सोच लीजिए। ए मानी, शायद तेरे हिसाब से ही सब कुछ होने वाला है, समझे? ऐसा लगा रहा था तनका चाय है ना, जैसे ही विश्वन जेल जाता है वैसे ही जानू तेरे सर पे आ जाएगी पक्का। तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि सब बोल रहे हैं आपको सजा मिलेगी। मैंने सजा पाने वाला काम भी तो किया है। आपने क्या गलती की है जानू? तुम वो सब मत सोचना, कल ही मेरे केस का फैसला है। मैं जेल चला गया तो तुम रोना मत। मैं रोऊंगी। रोएगी तो तुम्हारे आंसू बहेंगे और उसे देखकर लोग मजाक उड़ाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं आप बताओ? अरे पागल, मुझे फांसी थोड़े ना होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक बस। एक दिन भी मैं आपसे मिले बगैर नहीं रह सकती। अब तो तुम भी मुझे सजा दे रही हो। आपके जेल से आने के बाद कोई कुछ भी बोले मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे उस बंगले से ज्यादा आपके साथ झुग्गी में रहना पसंद है। मैं आपके लिए इंतजार करती रहूंगी। रो मत। तो फिर मैनन, आने वाला कोई शुभ मुहूर्त देखकर रवि और वासंती की शादी करवा देते हैं। हाँ, लंबा नहीं खींचना चाहिए। मेरी मानो तो यहाँ एक त्योहार आने वाला है ना, उसी दिन शादी करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एक ही खर्चे में दोनों हो जाएंगे, क्या कहते हो? तो फिर त्योहार के दिन ही सही। वैसा ही होगा। क्या हाल बना रखा है? जाने कब वो जेल से आएंगे माँ। वो सब मुझे कैसे पता होगा? आज बंगले में रवि साहब की शादी की तैयारी चल रही है। बड़े साहब हमें बार बार बुला रहे हैं। चलो ना बेटी, तैयार होकर चलते हैं। बेटी, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मैं क्या हुआ बोलो ना, बताओ मुझे क्या हुआ बेटी? माँ, मैं बर्बाद हो गई। ये क्या कह रही हो तुम? किसने किया ये सब? मुझे गंदा कर दिया गया। बताओ कौन है वो? कौन है मुझे पता चल गया। दूध पिलाकर गर्दन काटेंगे, कभी सोचा नहीं था। कल सुबह होने दो, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हे भगवान। कौन है पता चल गया। दूध पिलाकर गर्दन काटेंगे, सोचा नहीं था। हम यहां नहीं रुकेंगे। Thank you.
लक्ष्मी, आप लोग कहाँ जा रहे हो? आपने हमें इतने समय सहारा दिया, अब वो सब खत्म हो गया है मालिक। मेरी बेटी और मैं यहाँ से जा रहे हैं। मैंने अपने बेटे जैसा पाला है रवि को, उसने मेरी बेटी के साथ गलत किया। माँ बेटी की समझ रखने वाले गरीबों के साथ हम जी लेंगे मालिक। अभी आओ बेटी। गलती तो आखिर इंसान से ही होती है। गलती ऐसी इंसान कर नहीं सकता। हाँ, अभी बोल के क्या मतलब है, जिसके हाथ में ताकत है उसी की यहाँ चलती है, लेकिन वो सब सहने की ताकत हम मासूम लोगों में नहीं है। सहना तो पड़ेगा। पापा मेरी बात मानिए, आप इन्हें यहाँ से जाने मत दीजिए। हम जाएंगे। पोंथोपो बंगले के छोटे मालिक के बच्चे को पैदा करने की औकात हमारी नहीं है। लक्ष्मी माँ, रवि तू चुप कर। लक्ष्मी, सब चीज का हल कर सकते हैं। जो भी हो, आप लोग यहाँ से मत जाइए। मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ अंदर जाओ। जानू, जानू तुम मुझ पे गुस्सा मत करो ना। मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, तुम जानती हो, और तुम किसी और से प्यार करती हो। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन फिर भी तुम दो दिन से ना खाना खा रही हो, ना सो रही हो, इतना क्यों रो रही हो? कुछ नहीं है मनी। कुछ तो है जानू, तुम मुझे बताओ। मैं एक बेचारा हूँ, लेकिन तुझे किसी ने ठेस पहुंचाई, चाहे वो कोई भी हो, उसको मारने की ताकत है मुझ में। बताओ, मुझे बताओ, बताओ जानू। नहीं मनी, किसी ने चोट नहीं पहुंचाई मुझे। तुम चाहे किससे भी शादी कर लो, लेकिन तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे खुलकर बताना। सुनिए काका जी, ये खत मामा तक पहुंचा दो। हाँ। वसंती, क्या हुआ पापा? ये लो, ये पढ़ो, तुम्हारे मंगेतर का खत। शादी कुछ समय के लिए टल गई है। उसकी वजह क्या है पापा? ये तो मुझे नहीं पता, उनकी मर्जी। जो भी है, मैं जरा देख के आता हूँ। रवि, तुम ऐसे पीके क्यों बर्बाद हो रहे हो? जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो क्या कर सकते हैं? मामा जी होंगे, बोल दीजिए मैं नहीं हूं। बैठो मैंने, बैठो। क्या हुआ गुरु भाई, रवि के खत का क्या मतलब है? खत? मैं नहीं जानता। ओहो, तो रवि को जरा बुलाओ। ये शादी क्यों टालना चाहता है वो, जानना है मुझे। वो यहाँ नहीं है। तो फिर आप उसको बता दो, मेरी लड़की है वो, कोई फुटबॉल नहीं है। क्या? अगर शादी नहीं करनी तो बता दो। मामा क्या बोल कर गए? शादी की बात, और हाँ
तुमने खत भेजा था क्या? शादी की तारीख थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि तो फिर ये सब एक नाटक था। छोड़ो माँ मुझे, मैं नहीं आऊँ। तू ही आएगी। अरे काटे हुए सांप से जहर निकालने का, किसी और के बच्चे को पालने का क्या मतलब है? ये सब मेरा नसीब है। उसी से तेरी शादी नहीं करवाई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आओ इधर, चलो मेरे साथ, आओ आओ, खड़ी हो यहाँ पर। मालिक, मेरी बेटी पेट से है, उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप होना चाहिए। रवि को मैंने अपने बेटे की तरह पाला, मगर इसने गलत किया। मुझे एक बात बताइए मालिक, ये बाहर पता चलने से पहले उसकी शादी करवा दो। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों? मालिक, हमारी लाशें इस आंगन में नहीं देखना चाहते हो तो ये शादी जल्दी करवाओ। लक्ष्मी, जो गलती हो गई है उसे बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा। जो भी है, जानू रास्ते पर आ जाए, मेरे जीते जी होने नहीं दूंगा मैं। उसकी जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए मेरे से जो होगा मैं करूंगा, तुम बस शांत रहो। मुझे रवि से मिलना है। बैठ जाओ बेटी। नहीं, मैं इस घर में बैठने नहीं आई। वासंती, मैं सब जान चुकी हूँ, इधर की मालकिन ये है ना, तो मुझसे बात मत कर। कीड़े को कंबल में सुलाओगे तो वो काटेगा ही ना। मेरी बेटी, हम बेकसूर है और हम पर ये इल्जाम मत लगाओ। वासंती, इस फैमिली का रिश्ता खराब मत करो तुम, ठीक है? खराब हो चुका है। कहीं से आई हुई ये वैश्या मेरे रवि को फंसा लिया। ये सब इन लोगों ने जायदाद को हासिल करने के लिए किया है, और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। दीदी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, बेकार की बातें मत करो। बेकार हरकत करना गलत नहीं, और जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है। हाँ? उसे हाथ मत लगाना। ओ, तुम्हारी रखेल है ना ये। जो भी हो, तुमसे शादी करने के बाद मैं किसी के साथ नहीं गया था ना। तो आखिर सच बता ही दिया, शुक्रिया। सुन, तुझे इस चीज की सजा ईश्वर जरूर देगा। वासंती। नहीं, सब खत्म हो चुका है। अरे मानी, इस बंगलों के सभी लोगों का मूड आउट ही है। अरे सुन, इस बंगलों में कुछ ना कुछ पक रहा है, समझे? अबे तू ना एक गधा है। मैंने अपनी सत्यभामा को कितनी जल्दी पटाके अपने कब्जे में किया था, तुझे तेरे जानू के मुंह पर देखने में डर क्यों लगता है? देख, पहले पहले लड़कियां थोड़ी सी अकड़ दिखाएंगी, तभी ना हम लड़कों को थोड़ा रिवर्स जाने का। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा बे? लगता है इसका ब्रेक फेल हो गया है शायद। मुझे भी लग रहा है। स्टार्टिंग ट्रबल तो नहीं है ना? हे तो ध्यान देना भाई, आते ही थर्ड गियर पे डाल के चालू करना और भाग जाना। ये भी गया। सर, इतना मत कीजिए। तुझसे मिलने के लिए मैं इंतजार ही कर रहा था। अगर मैं तुझे एक काम कहूँ तो तू करेगा? सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आप सिर्फ बताइए ना। तो फिर मैं जिस लड़की से बोलूंगा तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। शादी किससे? अगर बता दिया तो शादी करेगा? अरे ऐसा नहीं है सर, बस पूछ लिया। तो बता, जिससे तू और मैं प्यार करते हैं जानू, भगवान के लिए मुझे इस शादी के लिए मत बोलिए। जानू, बिना पानी के तैरने का कोई फायदा नहीं। अभी
इस बेशर्मी से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये जमाना अच्छा नहीं है बेटा। नहीं माँ, मैं किसी को धोखा नहीं देने वाली। हम तो धोखा खा चुके हैं ना। मुझे और तुझे समाज में निकलना है तो मनी से शादी तुम्हें करनी होगी, यही एक रास्ता है। नहीं माँ, ऐसे मत बोलो, मैं नहीं कर सकती। तू तो अपने हिसाब से जी ले, लेकिन बिना बाप के बच्चे को पालने के लिए ये माँ जिंदा नहीं रहेगी। माँ, मेरी बच्ची। अरे मानी। हाँ? कुछ भी हो लेकिन तू भाग्य वाला है। तनकाचा, मुझे लगता है कि मेरे हाथ की लकीर बहुत गहरी है ना? अरे बिल्कुल सही कहा भाई, नहीं तो इतनी खूबसूरत लड़की तुझे कहाँ से मिलेगी आखिर? मुझे कहाँ से मिलेगी? तो क्या जानू को देखकर क्या तुझे खूबसूरती का एहसास नहीं होता क्या? बोल। ओह ऐसे, मुझे लगा कौन सी लड़की की बात कर रहा है। तुझे अब कोई भी दुख नहीं है ना? तो मंगलसूत्र पहना, मंडप बंधा और बच्चे पाल। हे मेरे भगवान, मेरी सत्यभामा को ऐसा मौका मत देना भगवान। अच्छा सुनो तनकाचा, पहला बच्चा लड़का होना चाहिए ना? नहीं मानी, जो पहला बच्चा होता है ना किसी का भी होना चाहिए। अबे सुन, मुझे गुस्सा मत दिला। क्या बोला तूने? अरे गधे के बच्चे, किसी का मतलब लड़की ही समझे। अगर वो लड़की बड़ी हुई तो किसी की तो हो ही जाएगी ना। हाँ वो तो सही कह रहा है तू। तो फिर मेरे मानी तू घर जा, मुझे थोड़ा अपना कुछ पर्सनल काम करना है समझे। सत्यभाम के पास ही होगा ना तेरा कुछ काम। जल्दी आ, मैं यहीं रहूंगा, जा। हाँ ये कौन मानी, ये नए कपड़े लेकर किधर? अरे मेरे दामू भाई, मुझे जाने दो, मुझे बहुत काम है घर पे, कल मेरी शादी है ना। शादी? रुक रुक रुक, पूछू जरा लड़की कौन है। मालिक ने जिसे पाला वो जानू है। अपने नीता का प्यार ना? नहीं। आओ आओ पूछू जरा। अरे आना। नहीं भाई, अरे रुकना, जल्दी आना। आना मानी, इधर आ बैठ वहां। गोपाल। हाँ भाई। सुन, हाँ। दो बोतल सोडा जल्दी कर। ये ले पी। है? पीना, दामू भाई है तेरा, पीना। पीना। हाँ रे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि तेरी उससे शादी हो रही है? हाँ दामू भाई, वो एक राज की बात है। और उसके लिए मुझे 5,000 रुपये भी दिए हैं। अच्छा है रे, यानी कोई राज की बात तो जरूर है। अरे बोल ना भाई। अरे माधु, नहीं दामू, ये एक राज की बात है, इसलिए हाँ। सिर्फ तुझको ही मैं खुले आम बताता हूँ, सिर्फ तुझे ही। इस शादी से मुझे एक बच्चा भी फ्री मिलेगा। हैं? मतलब छोटा मालिक एक चाणा है रे। तो मैं क्या गधा हूँ भाई। गुड नाइट, कल शादी के लिए आना, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी। अरे तुम भाई, एक नया न्यूज़। क्या हुआ? विश्वन कल जेल से छूटने वाला है। अच्छा है, मतलब एक नए कार्यक्रम का मौका है। हाँ चलो चलो चलो, मैंने तुझे पैसे दे दिए। चलो नीचे उतरो। हाँ चलो, आ गया। ठीक है ठीक है, ये देख आ गया। रुको अभी पास आने। आ गया। क्या तुम लोग शादी में नहीं जाना क्या? किसकी शादी? अरे अपने टैक्सी यूनियन लीडर का प्यार जानू पेट से है। पेट से है? अरे हाँ, छोटे मालिक के छोटे बच्चे के साथ ही तो ड्राइवर मानी शादी करने वाला है। अबे देख क्या रहा है बे, जल्दी जा, तुझे भी खाने को मिलेगा। छी, चुप कर अपनी बात। क्यों चुप रहे, तू जाके पूछ क्या।
विश्वास भाई छोड़ो 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 भाई, बेडू दामू सच बोल रहा है। आओ मेरे साथ चलो। जानू रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मालिक, जानू विश्वन की है, उसे मेरे हाथों देने वाले आप हैं, तो अब उसे छीन क्यों रहे हो आखिर? विश्वन, विश्वन तुम थोड़ा शांत हो जाओ, सब कुछ मैं बताता हूँ। अभी तुम जो भी बोलोगे वो अपने बेटे के लिए बोलोगे, मुझे पता है। तुझे क्या पता है? मेरे जानू को बर्बाद करने वाला तू है, मेरे दिल को तोड़ने वाला तू है, तुझे मारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाना ही तेरे लिए सही रहेगा, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। बुला कुत्ते अपनी पुलिस को, तुझे मारने के लिए आया हूँ मैं। विश्वन, विश्वन, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, विश्वन, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाओ। विश्वन, जानू, जिस आदमी ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, अच्छा होता उसे मार देती तुम। विश्वन, आप अभी यहाँ से जाइए, मेरे लिए जाइए। नहीं जाऊंगा। क्या करना है मुझे पता है, जाओ। सुन छोटे मालिक, मैं फिर आऊंगा, कल सुबह तक तुझे भी मारकर तेरे बंगलों को भी जलाया नहीं ना, तो मेरा नाम विश्वन नहीं। सुन छोटे मालिक, मैं फिर आऊंगा, कल सुबह तक तुझे मारकर तेरे बंगलों को भी जलाया नहीं ना, तो मेरा नाम विश्वन नहीं। भाई दीदी बड़ी गहरी नींद में है। ए, हाँ? इसे कहीं फेंकने की जगह देखते हैं, चल। हाँ। अरे अरे गाड़ी आगे जा रही है, अबे उतरना। अरे शमशान घाट रोड आया कि नहीं? यहाँ फेंकते हैं। अरे अरे तेरे पास बीड़ी है? ठंड के मारे जान निकल रही है। झूठे, अपने जेब में छुपा के रखा है, है? ए जा वहां पर थोड़ा सरक के बैठ, सरक ना। अरे बाप रे, अरे माजी जरा सब्र करके बैठो, ऐसे बेकार बैठेगा तो नहीं चलेगा, फोन बजाना जरूरी है। अरे बुढ़िया भाई, अरे अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा तू? ये दीदी भी हमें छोड़ के चली गई। अरे मैं क्या करूं, मेरा भाई भी मुझे छोड़ के चला गया, इन तीनों हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं क्या करूंगा? अच्छा भाई मेरे साथ। ऐसा नसीब क्या किसी का हो सकता है बे, जैसा हमारा है। ए, जैसा हमने तय किया था वैसा इन दोनों को कहीं ले चलकर फेंक देते हैं, चल उतार। ठीक है, पकड़ पकड़। हाँ पकड़ता हूँ। कितना वजन है? अरे सही से पकड़ा, इतनी भारी है। अगर अरे अगर अगर पुलिस स्टेशन गए ना तो हमें दो बार फांसी होगी। अरे हथियारे, अरे हथियारे, ये सब का मार है, पकड़ उसे जल्दी कर, ये सब का मार है। रुक जा, रुक जा, बुढ़िया कहाँ जा रही तू? अरे कोई मेरी जान बचाओ सर, साहब ये हथियारे हैं, ये सब को मार रहे हैं, इसने ट्रक में भी किसी को मारा। मैंने कुछ नहीं किया, किया।
हेलो, यस रवि, मैं वहां आऊं? ठीक है। हाँ, पापा मुझे ऐसा ही तुरंत स्टेशन बुला रहे हैं। अभी? ठीक है, जाके आओ। क्या हुआ तामू, क्या हुआ? एक गलती हो गई है। हाँ? विश्वन और हमारे बीच एक झगड़ा हुआ, उस झगड़े में मानी की मौत हो गई है। फिर मानी की लाश हमने एक ट्रक में लाद दिया है। तो एक काम कर, विश्वन कहाँ है? उसे हमने हमारी फैक्ट्री में बंद कर रखा है। अब क्या करना है वो पूछने ही यहाँ आया हूँ। विश्वन को मार दो, वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो हमें भी मार देगा और ये घर भी चला देगा। मार दो उसे। ठीक है मालिक। तो मैं कैसे छोड़ दो मुझे? मुझे एक पुराना हिसाब चुकाना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो मैं इतनी अर्जेंट स्टेशन क्यों बुलाया था? मानी को किसी ने मार दिया है। विश्वा! यहाँ तक कैसे पहुंची? वो सब बात मैं बताती हूँ, हमें जल्दी से चलना चाहिए। वो दामू और उसके गुंडे जल्दी आ जाएंगे। छोड़ो मुझे, मैं कह रही छोड़ो मुझे। तू मेरे हाथ से नहीं बच सकती, तेरा भी वक्त पास आ गया है। तो मरने से पहले ये सब देखना जरूरी है। छोड़ मुझे। Yeah.
विश्वन तुम ठीक हो? अभी तक हारा नहीं, तुझे जिसने बर्बाद किया है उससे मुझे बदला लेना था, लेकिन उसने तुम्हें मार दिया, कहाँ लगा है मुझे बताओ तो। बताओ मुझे, तुझे बच्चे की तरह पालने वाले इतने अच्छे इंसान के साथ तूने ऐसा क्यों किया? बताती हूँ सर। हर मन को
கூடம் நோக்கி ஆடாடு பிரிவத்தி तुझे ऐसा क्या बोलूं कि तू चुप हो जाए। तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है और वो सुनना बहुत जरूरी है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। एक बहन के लिए जो रिश्ता होता है वो तुमने निभाया, मुझे याद है। पिताजी ने अब तक अपने प्यार को गलत समझा। विश्वन से तू शादी करने जा रही है ये पता चला तो तुझे एक अच्छा रिश्ता मिले ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन मैं बाद में मैं भी तुम दोनों के रिश्ते के लिए मान गया ना। अब मैं विश्वन को क्या मुंह दिखाऊं, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। इसका जिम्मेदार मैं हूं ऐसा बोलकर अगर दूसरों को भरोसा दिलाओ तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पिताजी से ये गलती हुई है ये किसी को पता ना चले। पिताजी का ऐसा बुरा व्यवहार इस कुटुंब का पूरा रिश्ता खत्म कर सकता है। इस बर्बादी की वजह तू मत बन जानू, मेरी बात समझ। और मेरी बर्बादी का क्या जवाब दोगे आप भाई? तुम्हारे इस दुख में तेरा या भाई तेरा साथ देगा, लेकिन ये बात तू बाहर मत बोलना, अपने भाई को वचन दे। भाई। क्या मेरी बहन मुझे वचन नहीं देगी? फिर भी भाई, ठीक है भाई, मैं नहीं बताऊंगी, किसी से नहीं कहूंगी। वादा। अब उस वादे का क्या करूं मैं बर्बाद हो गई, मेरा विश्वन गया, उसका बदला मैंने ले लिया।
चलो